तो गाइस फाइनली आज मैं आया हुआ हूँ एक करामाती बारगाह पे। महाराज सैलानी बाबा का करामाती लोबान आ चुका है। ये देखिए फाइनली बाबा जान की बारगाह पे हाजिरी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, तो जो भी बंदिश होती है इसको किस तरीके से, मतलब ये क्या क्या मन्नत उतार रहे हैं? ये नींबू काट रहे हैं। अच्छा, ये बाबा के पास रख के लाते हैं नींबू काट। तो इससे क्या होता है? करामाते हैं बाबा जान की, थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत साल से परेशान हूँ जी, ये लोगों से हजाम की रुहानी है तो और उसके साथ साथ जानकारी करके बताऊंगा कि नारियल में पुतला गाड़ने से और आपके शरीर के ऊपर उतारने से कितने दिनों में आपके अंदर जो भूत परी जिन जिन्नात जो अलग अलग बीमारी है वो कितने दिन के हाजिरी लगाने से आपके हो जाती है ठीक। यहाँ पे हमें मिले हैं यहाँ के खादिम साहब, तो हम इनसे जानकारी करेंगे कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, बाबा जान की क्या करामत है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं सैलानी बाबा की बारगाह। तो कैसे जाएंगे, कहां से जाएंगे और क्या रूट पड़ेगा पूरा आप लोगों को बताते हैं। तो चलो चलते हैं, कैमरा घुमाते हैं, क्योंकि यहां पे महाराष्ट्र में माशाल्लाह जब आप आओगे तो सैलानी बाबा की बहुत बड़ी करामाती दरगाह है। तो चलो चलते, करामत जानकारी करके आपको बताते हैं। यहाँ पे ऑटो ऑटो मिल जाते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे होटल है जहाँ पे आपको रूम 400-500 रुपये में मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे होटल में आके रूम भी ले सकते हो। ये देखिए, ये देखिए सैलानी बाबा की दरगाह हम जा रहे थे रास्ते में। ये देखिए सैलानी बाबा की दरगाह जाने से पहले आपको यहाँ पे तस्वीर देखिए मिल जाएंगी सैलानी बाबा की खूब। ये देखिए जंगलों में बैठ करके दबावा जान इबादत करा करते थे, जैसे कि आप देख सकते हो इनके पास शेर और जंगली जानवर भी बहुत आया करते थे। ये इनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हो दुकानों में मिल जाती है। तो यहाँ पर पूछेंगे इनसे कितने रुपये की फ़ोटो, ताबीज भी मिल जाती है। देखिए ताबीज भी है यहाँ पर, आपको ताबीज भी मिल जाएगी। ये सैलानी बाबा की फोटो कितने की है भाई? 130 रुपए की है। और वो बड़ी वाली 800 लाइटिंग की है, 800 रुपए लाइटिंग वाली है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी फोटो भी। चलिए, यहाँ पे हर मजहब हर धर्म के लोग आते हैं और खाने का होटल भी है यहाँ पे, हर एक चीज़ की सुविधा है यहाँ पर। कचौरी की दुकान भी है, देखिए कचौरी है, होटल है, मतलब मेडिकल है, सब कुछ है यहाँ पे, है ना। रास्ता है जाने का, देखते हैं अभी क्या है। नीचे तरफ जाना पड़ेगा, नीचे तरफ है दुकान। और यहाँ पे रास्ते में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे फूल चादर की दुकान भी मिल जाएगी आपको, जहाँ से आप फूल चादर भी ले सकते हो। और ये रास्ता है पूरा कच्चा रोड है, यहाँ पे देख सकते हो पूरा कच्चा रोड से गुजर के ही जाना पड़ेगा सैलानी बाबा की बारगाह पे। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे कुछ भी करा दुकान के। ये क्या चीज़ है भाई? जादू टोना। तो ये देखिए यहाँ पे जादू टोना का पूरा भूत परी जो भी बंदिश घर को बंदिश करते ना, हाँ उसकी वो चीज़ है। तो ये देखिए बंदिश के लिए भी यहाँ पर आपको देख सकते हो चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ये देखिए इन पुतलों में भूत बने हुए हैं, जादू टोना बंदिश वाला सिस्टम है, दुकानों में मिलते हैं। देखिए जादू टोना बंदिश का सामान यहाँ पे मिलता है। भाई ये कहाँ पे लगाते हैं बताइए ना? ये घर में, गाड़ी में, दुकान में। घर में और गाड़ी में, दुकान में जादू टोना बंदी जिसके भी होता है वो सब ठीक हो जाता है। ये देखिए, चलिए ये है सैलानी बाबा की दरगाह जाने का रास्ता। कच्चा रोड है, पूरा कच्चा रोड से गुजर के जाना पड़ेगा। आज हम भी सैलानी बाबा की बारगाह ही जा रहे हैं माशाल्लाह, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और यहाँ रुकने के लिए होटल वगैरह तो है बड़ी भी, और यहाँ पे झोपड़पट्टी भी है जहाँ पे झुग्गी लगा के लोग रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है वली अल्लाह है ना जंगलों में आराम फरमाते थे, इसलिए यहाँ पे ये जो दरगाह शरीफ है जंगल में ही है ना भाई, जिसको मेमोरी बनाने का। ये देखो पूरा जंगल एरिया है। ये देखिए माशाल्लाह आपको दिखाते हैं, पूरी दुकानें हैं यहाँ पे। ये देखिए कपड़े, चादर मिलती है, चादर झंडा ही झंडा है, आलम शरीफ मिलते हैं यहाँ पे सैलानी बाबा के नाम से। देखिए क्या बात है, कितने कितने के छोटू है? 100 रुपए का। और पीछे वाला छोटा वाला ये, हाँ ये 10 रुपए का एक है, 30 रुपए की। और दस्ती यानी रुमाल, रुमाल बांध के जाना पड़ता है। आओ यहाँ पे जहाँ पर भी जाएंगे आपको जादू टोना बंदिश की देखिए सामान यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये बहुत करामाती और जलाली दरबार ही। देखिए चप्पल भी है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब सैलानी बाबा की बारगाह में जब आप आएंगे
तो पहली बार आप भी ये सब देख करके चौंक जाएंगे। पर चौंकने वाली बात नहीं है, यहाँ पे हर धर्म हर मजहब के लोग आते हैं, सबका अपना अपना अकीदा है, अपने अकीदे के हिसाब से यहाँ पे मान्यता के हिसाब से कोई नाल अपने घर पे लगवाता है, कोई पुतला टांगता है, कोई चप्पल को मतलब मान्यता के हिसाब से अपनी गाड़ी पे टांगता है। तो सबके अपने अपने हर धर्म के लोग क्योंकि आते हैं यहाँ पे, तो सबके अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पे करते हैं जो भी रीति रिवाज रस्म है करते हैं। क्योंकि ये गाँव है, जंगल है, तो यहाँ पे हर मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग आते हैं और यहाँ से फैज़याब होके बाबा के दरबार से जाते हैं माशाल्लाह। तो बाकी और भी यहाँ पे बारे में नॉलेज आप रखते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और सीधा सीधा जो रास्ता जाता है मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे जंजीर है, जंजीर के नीचे से लोग निकलते हैं। ये होटल इस्लामी होटल, ये देखिए आज भी बैलगाड़ी यहाँ पर चलती है, क्या बात है ना। लोबान बेच रहा बच्चा, खाने के होटल भी है। अच्छा सोरमा, ये देखिए यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग भी है। आप लोग अगर अपनी कार और पार्क को चलाते हैं तो यहाँ पे आप पार्किंग भी लगा सकते हैं। भैया भैया कितने रुपए पार्किंग है कार का, कितने रुपए पार्किंग है? 30 रुपए मतलब पर घंटा या 24 घंटा? 24 घंटा मात्र 30 रुपये में 24 घंटा आप अपनी कार भी यहाँ पार्क कर सकते हैं, बाइक भी पार्क कर सकते हैं ना, बाइक भी। ठीक है भाई, तो अगर आप लोग सैलानी बाबा की बारगाह पे अपनी कार खुद की करके लेके आते हैं ना तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। अच्छा ये कौन सी दरगाह जाता है भाई, बताने एक बार वापस। जंगल के अंदर जो है बाबा। अच्छा अच्छा वो भी दिखाएंगे। अच्छा चलिए अब हम लोग आपको सैलानी बाबा की पहले दरगाह ज़ियारत कराएंगे, उसके बाद में और भी दरगाह है यहाँ पर वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए फूल चादर की दुकानें हैं, पूरा जंगल एरिया है, देखिए जंगल में है। ये देखिए यहाँ पे दरबार में जाने के लिए यहाँ पे फूल पेश करते हैं, ये माला दरबार में पेश करते हैं भाई। कितने रुपए की माला ये? 50 रुपए की माला दरबार में पेश करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने की आपकी माला? 100 रुपए की। ये बड़ी माला है ना, 100 रुपए में दो? ठीक है, ये देखिए 100 रुपये में दो माला है यहाँ पर। और अभी चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी होटल भी है। ये क्या है, गुलाम मंजर, देखिए ये देखिए सैलानी बाबा की बारगाह हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे हाजिरी वाले लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। देखिए अभी जानकारी करते हैं आप लोगों को बताते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत करामाती जलाली दरबार है सैलानी बाबा का। अभी अंदर चलते हैं, हम खादिम साहब से यहाँ की जानकारी करते हैं और जानकारी करके बताएंगे सैलानी बाबा के बारे में कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, बाबा जान की क्या करामत है, पूरा आप लोगों को यहाँ की करामत के बारे में बताएंगे। चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ से भी रास्ता है, देखिए ये देखिए यहाँ से भी रास्ता है, पर अभी दरबार में हम लोग चलते हैं पहले अंदर और आप लोगों को पहले ज़ियारत कराते हैं, उसके बाद में सब कुछ बताएंगे माशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काफ़ी खूबसूरत प्यारा दरबार है। अभी अंदर चलते हैं आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे, अभी चलते हैं अंदर दरबार में आपको ज़ियारत कराते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा दरबार, पूरा झूमर का एरिया। अभी यहाँ के खादिम साहब से जानकारी करके आपको बताएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत प्यारी बारगाह है। अभी आप लोगों को मैं दरबार की ज़ियारत करा रहा हूँ, उसके बाद अभी थोड़ी सी जानकारी करके आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी दूर दूर से मन्नत मुराद वाले लोग आते हैं और यहाँ पे मन्नत मुराद सबकी माशाल्लाह इनके वसीले से अल्लाह ताला पूरी भी करता है। तो अभी चलते हैं खादिम साहब के पास जानकारी करके बताएंगे। सैलानी बाबा की बारगाह पे लंगर बांटते हैं। पैसे दे रहे हो? अच्छा पैसे देते हो तो यहाँ पैसे बांटते क्या? हाँ, या लंगर नहीं बांटते? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये कि जो जिसकी मुराद पूरी हुई तो वो लंगर भी बांट सकता, पैसे भी बांट सकता। अच्छा अच्छा, क्या बात है माशाल्लाह।
अभी आते हैं बाबा हमारे। अभी बाबा आएंगे, उनसे भी जानकारी करके बताते हैं। यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, सब अपनी मन्नत मुरादें मांगते हैं और इंशाल्लाह इनके वसीले से अल्लाह ताला पूरी भी करता है। और ये देखिए यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे हर मतम मोहताज है, कोई कोई परेशान है, कोई बीमारी से इतला है, किसी के अंदर भूत परी जिन जन्नात कोई भी परेशानी हाल वाला है जैसे कि देख सकते हो, तो वो यहाँ पर आता है, 40 दिन की हाजिरी देता है। 40 दिन की हाजिरी करने के बाद और यहाँ पे जंजीर है, जंजीर एरिया है, वहाँ पे जंजीरों के नीचे से निकलता है, जो पेड़ का एरिया है वहाँ से निकलता है। यहीं पे पास में कहा जाता है कि कुआं है बाबा जान का, मतलब झीरा कह सकते हो, तो उस पानी से नहाने के बाद इंशाल्लाह ये जितने भी बीमारी परेशानी वाले लोग हैं जिसके अंदर अला बला जो भी असरात है वो ठीक हो जाता है माशाल्लाह इस दरबार में आने के बाद। और अभी यहाँ के जो मुजावर है खादिम साहब है पूरी आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोबान का टाइम हो चुका है, लोबान का अभी लोबान होने वाला, लोबान का आपको दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए अभी यहाँ पे जो खादिम साहब हो गए उन्हीं से जानकारी करके बताएंगे लोबान का टाइम हो गया। आ गया लोबान, आ गया। ये देखिए लोबान का टाइम है, लोबान आ चुका है बारगाह पे। ये देखिए बहुत जलाली लोबान है, देखिए। अरे बाप भागना पड़ेगा मेरे को। अभी और कहा लोबान वाला बाकी ऐसा, अच्छा दरबार में से लोबान का टाइम है, सैलानी बाबा की बारगाह पे लोबान होता है। देखिए बड़ी दूर दूर से जायजारीन आते हैं। ये किन के सारे खादी मजरातों की मजार है। देखिए लोबान का टाइम हो चुका है और सारे दरगाह में लोबान दिया जा रहा है। देखिए तो ये लोबान का टाइम कितने बजे का होता है? साढ़े पाँच बजे का शाम को डेली लोबान का टाइम होता है। देखिए ये इनके खिदमत गुजारों की मजार है, यहाँ पे लोबान हो रहा है, जितने भी जारी नारे इस लोबान से फैजियाब होके जाते हैं। और इसी तरीके से जितना भी लोबान होता है यहाँ पे किया जाता है, जितने भी जारीन बाहर खड़े हुए हैं उन लोगों को ये लोबान दिया जाता है। और कहा जाता है कि इस लोबान के सदके जितना भी इनके अंदर परेशानी आला बला भूत परी जिन जिन्नात जो भी जिसके अंदर असरात होते हैं इस लोबान को लेने के बाद सब ठीक हो जाते हैं। चलो भगवान जा रहा है बाहर कहाँ पे। देखिए सुभान अल्लाह जितने भी सारे नए हुए हैं लोबान से फेज आप होके जा रहे हैं। अब कहाँ पे देख रहे हैं लोबान को? वो लोबान जहाँ पर बस डीएन का, अच्छा लोबान का टाइम हो गया। ये देखिए बहुत करामाती लोबान है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं इस लोबान को लेने के लिए। यहाँ पे जिंदा करामत होती है। देखिए ऊपर चलिए, ऊपर बड़े दूर दूर से लोग जारी लाते हैं यहाँ सैलानी बाबा की बारगाह पे और अपनी मन्नत मुरादें मांगते हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि ये सैलानी बाबा की बारगाह पे उर्स के मौके पे कितने पब्लिक आ जाती है यहाँ पे? 30 से 35 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। अभी खादिम साहब से पूरी जानकारी करके अच्छे से आप लोगों को बताएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जलाली और करामाती दरगाह है। ये क्या चादर आ गई? अच्छा माशाल्लाह। Thank you.
फाइनली आज मैं आया हुआ हूँ एक करामाती बारगाह पे, महाराष्ट्र के सैलानी साहब बाबा की बारगाह पे आया हूँ, जहाँ पे यहाँ पे हमें मिले यहाँ के खादिम साहब। तो हम इनसे जानकारी करेंगे कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, बाबा जान की क्या करामत है। जी बताइए। मेरा नाम आदिल मुजावर है और मैं यहाँ सैलानी दरबार में खादिम मुजावर हूँ। इनको चुप करना। हाँ, जैसे कि सैलानी बाबा जो है वर्ल्ड के फेमस, मतलब महाराष्ट्र के फेमस है फिलहाल। माशाल्लाह। तो जो भी है उनका मतलब, वो पहले दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में मतलब एक फकीर के जरिए, जी फकीर के जरिए से उनके वालिद, उनके वालिदा को सैलानी में हुए। तो उस फकीर ने बता दिया था कि ऐसा ये जो बच्चा है आपका, तो ये दुनिया में मतलब फैस का काम करने के लिए है जी, आपके पास आदे नहीं रहेंगे जी। चलते चलते बात करें तो अच्छा रहेगा जी। हाँ, तो सरकार सैलानी ऐसा घूमते, मतलब उनको एक फकीर मिल गए, तो फकीर के साथ में निकल गए जी। तो उनको पहलवानी का बहुत शौक था, तो पहलवानी का शौक उनको ऐसा था क्या, जहाँ पे भी आते थे पहलवान को चिट करते थे। तो पर उनको एक जगह गए वो पहलवानी करने के लिए, तो वहाँ पर उनको एक उनके उस्ताद मिले जी, जिनका नाम था खैरुद्दीन मुजर्रम जी, जो कि धर्मगांव छोपड़ा में रहते जी। उन्होंने बताया, बोले क्या लगा है कुश्ती के नाम में, इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसके आपको अगर फैस चाहिए, बोले आपको अगर कुछ भला करना है लोगों का, बोले जी, तो इस लाइन में आ जाइए, बोले। नक्शबंदी सिलसिले से वो जैन हो गए जी। उसके बाद में जो है तो उनको बाबा खिलाफत वगैरह मिली बाबा की तरफ से जी, बहुत मतलब नजर करम होगी उनको जी। फिर उसके बाद में बाबा जो है सैलानी मियाँ, तो वो सफर करने लगे, तो उनका नाम गिर गया सैलानी जी। इसके जरिए मतलब वो बहुत जगह घूमते उनका नाम सैलानी होगा। तो एक दिन पता चला हमारे दादा को, जो हमारे पर दादा है मतलब हुसैन मुजावर, तो उनको पता चला कि सैलानी बाबा छिपी शहर में आए हुए, तो उस जरिए से मतलब हमारे जो दादा थे उनसे मिलने के लिए गए थे। तो सैलानी मियाँ से कुछ उनकी तालमेल जो मुलाकात थी वो बहुत बढ़ गई जी, उससे उनको कुछ अच्छा फील हुआ। तो उससे वो उन्होंने उनको कहा कि चलते चलते बात करा जाते जी। हाँ, बोलते जी। उन्होंने कहा कि ये सब मैं तुम्हारे घर पे सवेरे आने वाला हूँ जी। ये कहे कि वो वहाँ से निकल गए जी, वो कहे कि वहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद में वहाँ से यहाँ पर घर पे आने के बाद में हमारे जो दादा थे जी, तो उन्होंने कहा क्या, हम सैलानी बाबा ने तो बोल दिए कि आप हमारे घर पे आएंगे, लेकिन हमने तो उनको अपना पता वगैरह कुछ बताया नहीं जी। तो दूसरे दिन उनको ऐसे लगा क्या, अब वो सैलानी में ऐसी दिल रखने के लिए बोल दिया होगा जी। दूसरे दिन पता चला कि सैलानी में सवेरे घर के सामने आए, आवाज देने लगे जी कि ऐसा जी चेन्नई के घर में जी। तो बताया फिर उसके बाद में, फिर सैलानी में देख के एकदम शॉक हो गए वो जी, कैसा क्या हुआ करके। उसके बाद में सैलानी में इधर रहने लग गए वगैरह, कम से कम इधर सैलानी में 12 से 13 साल इधर रहे जी। फिर उस मतलब उस टाइमिंग में जो हमारे हुसैन दादा ने उनकी खिदमत करी, तो उनकी खिदमतगारी बहुत पसंद आ गई माशाल्लाह, बहुत खिदमतगारी पसंद आ गई। तो उस टाइम पे सैलानी मियां ने क्या कहा, उसी टाइम पे मतलब घर के अंदर बैठे थे तो कहने लगे क्या, इस घर में से बोले हमारा संदल निकलेगा बोले जी। तो हमारे जो हुसैन दादा थे उनको कुछ इसके बारे में पता नहीं था जी, क्या वो संदल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे है। अब वो देख के हंस के मुस्कुरा के चले गए। उसके बाद में तो यहाँ पर जब उनका रू कब्ज होने का टाइम आया था, तो वो टाइम पे भी मतलब बहुत जगह के लोग आए थे उनको ले जाने के लिए, लेकिन सैलानी मियाँ का कहना था कि हमारे जो मुझे जो रखना है, तो जैसे हमने मुजावरों के खेत में ही रखना है, मतलब हुसैन के खेत में रखना है और नीम के नीचे रखना है माशाल्लाह। तो जब से लेकर अब तक ये जो मतलब बहुत लोगों ने उनको ले जाने के लिए आए थे, लेकिन उनकी जो जबान थी वो जबान के जरिए से उनका जो जनाजा था वो बहुत लोगों ने उठाने कर, लेकिन वो नहीं उठाया गया, उठा नहीं पाए जी। ताकत लगाए पर नहीं उठाया भाई, क्योंकि सैलानी में एक जबान थी, बेशक जबान के हिसाब से जो काम था उनका वो हो गया। तो उसके बाद में वो ट्राई करें नहीं जमा, जब से लेकर अब तक चढ़ रहा है। तो उस दिन से अभी तक जो है संदल अभी तक से हमारे खुद के घर से आता है जी, संदल घर सैलानी पीपल गाँव में है जी, सैलानी को पैदल चल के संदल लाया जाता है जी। जब से लेकर अब तक ये प्रथा चल रही है संदल और उठनी पे लाया जाता है, उठनी पे लाया जाता है संदल को। तो इनका जो उर्स होता है वो कितने दिनों का होता है और कब होता है, उनका जो उर्स होता है कितने दिनों का होता है? होली से 5 से 6 दिन बाद रंग पंचमी आती है जी, उस दिन का यहाँ पर संदल रहता है जी। उर्स जो है तो तकरीबन महीना भर चलता है जी, तो महीना भर उर्स चलता है। ये चांद की कौन सी तारीख, रजब या ऐसे कुछ? वो तारीख से नहीं चलते जी, मार्च महीने में ही रहता है, मार्च अंग्रेजी तारीख के हिसाब से। इधर खेती वगैरह का मसला है जी, वो हिसाब से वो
ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज और जानना चाहूंगा कि बड़ी दूर दूर से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हाजिरी वाले लोग आते हैं, जायरीन अपनी मुराद लेकर के आते हैं, यहाँ की करामत के बारे में बताया कि बाबा जान की क्या करामत है। जिनकी करामत ऐसी है कि बहुत से लोग जो है ये जो जादुई बला में परेशान है जी, वो लोगों का बाबा इलाज करते हैं। उनका अच्छा। इलाज बोले तो खास करके उदी है, उदी फूल नींबू जी, खास करके यहाँ का इलाज है जी। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि काला कपड़ा ज्यादा और हरा कपड़ा ज्यादा यूज करा जाता है जी, नजर के लिए जी, सेफ्टी के लिए तावीज वगैरह होते हैं जी, ये बाबा के पास रख के लिए जाता है, इसको कोई पढ़ के नहीं देता है जी, ये बाबा के पास रख के देते हैं, बाबा खुद इस पे अमल कर देते हैं जी, इसके अंदर उनकी सेफ्टी बन जाती है माशाल्लाह। मतलब ये ठीक हो जाती है, ये क्या चीज है यहाँ पर? ये बंदिश के लिए करते हैं जी, कारोबार में बरकत के लिए वगैरह रहता है ना जी। अच्छा, तो जो भी बंदिश होती है इसको किस तरीके से, मतलब ये भी बाबा के पास रख देते हैं, दम करके देते हैं। अच्छा, और अपने घर पे जैसे कि लगा देते हैं या टांग देते हैं तो उससे बंदिश खत्म हो जाती है। पिपलगांव के अंदर एक बड़ा ही झाड़ था जी, पीपल का, वहाँ पर बहुत बड़ा आसरा रहता था जी, तो उसके मतलब वो रास्ते के ऊपर जब वो चलते थे तो वहाँ पर वो आसरा रहता था, तो उसके डर से वो आसरा के डर से मतलब जाते नहीं थे वहाँ पर जी जी। तो सैलानी मियां वहाँ से एक दफा गुजरे, हाँ, वहाँ से पता चला जी कि यहाँ पर बहुत बड़ा आसरा रहता है जी, लोग जैसे उन्होंने डरे हुए। आसरा मतलब या नहीं समझा नहीं मैं, सांप। अच्छा, सांप रहता है, बहुत बड़ा सांप। अच्छा जी, असगर कहते, हाँ, बहुत बड़ा था, तो उसके मतलब उसके सैलानी मियां ने कहा कि इसको अजदा को कह दिया कि अजदा यहाँ से चले जाओ जी, तो अपना गुजारा कहीं और चलिए कर, और कहीं कर लीजिए। ये क्या क्या मन्नत उतार रहे हैं? ये नींबू काट रहे हैं। अच्छा, ये बाबा के पास रख के लाते हैं नींबू काट, तो इससे क्या होता है? इससे जो है तो जो रूहानी ताकत है उसके अंदर, हाँ, क्या होता है जो भी अला बला है वो ठीक हो जाती है। इस नींबू को यहाँ पे नजर करते हैं और नजर बंद करने के बाद काटते हैं तो ठीक हो जाता है। हाँ जी बताइए, अजगर साहब का आप वाक्य बताते, बता दीजिए। जो साहब को कहा उन्होंने कि अजदा यहाँ से चले जाओ, हाँ, तो वो साहब वहाँ से चले गया। फिर उसके बाद में उसी दिन बहुत जोर से बारिश हुई जी, तो अचानक बादल से एक बिजली कड़ गई जो झाड़ पे गिरी। अच्छा, झाड़ पे गिरने से वो झाड़ जल गया, मतलब वो साहब के रहने की जगह खत्म हो गई। तो उस दिन से आज तक वो अजदा यहाँ पर नहीं दिखा। ओहो माशाल्लाह, तो यानी वो अजदा जो मतलब साहब था वो लोगों को पहले परेशान करता था, या अजदा परेशान करता था पहले जी, तो बाबा जान की ऐसी करामत हुई कि वो सांप ही खत्म हो गया और अब कुछ कोई तकलीफ नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं है। ये कब किस समय की बात होगी? ये तकरीबन आज से 120 साल पहले की बात है, आज से 120 साल पहले। अच्छा, और जो करामतें हैं बाबा जान की थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हमारे सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं उनको नॉलेज हो। जी बताइए, और क्या करामत है यहाँ की? एक करामत ऐसी कि अमलापुर गए थे बाबा, तो वहाँ के जो लोग थे जी, तो वहाँ के लोगों ने उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए थे जी, बहुत बुरा मतलब उनको बहुत बुरा बुरा कहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको फंसाने के लिए कोई लेडीज रहती है ना जी, उसको एक रूम में उनको रख दिया और बाबा से कहा कि आप इस रूम में रुक जाइए जी, आज रात के लिए आप यहाँ पे बसे रखिए। तो बाबा वहाँ पर जब गए वहाँ पर जी, उनको पता नहीं चला था कि वहाँ पर कोई लेडीज है जी। अभी वहाँ पर गए तो वो लेडीज ने उनके ऊपर बहुत सब कुछ करने लगा, पर लेकिन बाबा ने कोई ऐसी दुआ की अल्लाह से जी, वो लड़की के वो लेडीज के वो बच्चे बन गए, छोटे से बच्चे बन गए। क्या बात है माशाल्लाह, देखिए जी वो जो लेडीज है उनकी जोगन बन गई। सुभान अल्लाह, तो मतलब ये है कि बाबा जान की बारगाह में जिंदा करामत होती थी, होती है और होती रहेगी माशाल्लाह। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिनसे इनसे जानकारी लेंगे जी। आप लोगों ने अपनी आंखों से क्या करामत देखी है ये बताइए हमें कुछ। बहुत करामत है इनकी जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सूरत से आए। सूरत गुजरात से आए, तो हमारे तो गुजराती खबर पड़ जाए। सूरत में क्या नाच होता है? माशाल्लाह, तो मतलब बाबा जान की बहुत करामत सुनी है। जो अपने आंखों से कुछ देखी हो तो बताइए। यहाँ पे कोई मौजूद है जो अपनी आंखों से कोई बाबा जान की करामत देखा है बता सके हमें? जी बताइए। सूरत से हूँ जी। मेरा अब्बा यहाँ आई के जी, और मेरा अब्बा जो चौक बाजार की जो नदी है सूरत के अंदर जी, वो नदी के अंदर मतलब मेरा अब्बा का पाँव है ना फंस गया था। अच्छा, साड़ी के अंदर, वो साड़ी के अंदर पाँव फंसा था तो निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी जी। तो उस टाइम में मेरा अब्बा ने बाबा सिलानी का नाम लिया था जी, 40 साल पहले।
जी वो सेलानी बाबा की करामत से वो साड़ी के दो टुकड़े हो गए जी और मेरा अब्बा बाहर निकल गया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए जिंदा करामत अपनी आंखों से जो जारी उन्होंने देखा यहाँ के या सेलानी बाबा का नाम लेकर के वो करामत बता रहे और करामत हुई माशाल्लाह। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? माशाल्लाह। तो देखिए ये महाराष्ट्र में जंगलों के बीच में बारगाह है और यहाँ पे काफी दूर दूर से दारिन आते हैं जैसे कि बताया गुजरात सूरत से आए। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप और बताएं क्या बता रहे थे मिस्टर खाना जी? मेरा एक अकोले का पेशेवर था जो लगभग इसी उम्र का बच्चा होगा जी। वो बच्चा ऐसा था क्या उसको कुछ ऐसी चक्रात आ गए थे क्या जी? वो उसके घर के जितने फैमिली के लोग हैं उनके ऊपर फूकता था जी। उनको खतरे डंडे मारता था खतरे मारता था जी। जो भी है मारता था उनको। लेकिन बाबा की करामत ऐसी हुई कि 2 साल के अंदर ही उसका काम मतलब उसका इलाज हो गया बाबा के तरफ जी। आज वो बच्चा पुराना क्या आलिम बन गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक जारी नहीं है। देखिए शायद क्या हुआ इसको जी? तो ये कितने दिन के हाजिरी इसको देनी पड़ेगी यहाँ पर तो ये ठीक हो जाएगा? वो बाबा के ऊपर डिपेंड करता है, बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा नाम शाजिया है जी और मैं बहुत साल से परेशान हूँ जी। मेरे ऊपर कोई हजाम की रुआ नहीं है तो मैं आके तकरीबन 40 दिन हुए जी। तो मुझे लेकर सरकार ने बिल्कुल ठीक कर दिए। ठीक कर दिए बिल्कुल अच्छी हो गई मैं माशाल्लाह। देखिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, जारीन खुद आकर के बता रहे हैं कि यहाँ पे बाबा जान की बारगाह पे हम लोग आए और ठीक हो गए। अच्छा कोई अगर जैसे जारीन यहाँ पर आ रहा है तो उसको कितने दिन का अमल करना पड़ेगा, किस तरीके से वो ठीक होके जाता है? जैसे कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये जिसके हाथ पाँव काम कर रहे हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे हाजिरी दे रहा है जी। बताइए कितने दिन में क्या है मतलब बताइए थोड़ा सा। बाबा के ऊपर डिपेंड रहता है जी। मतलब कैसा है एकदम पूरा इलाज नहीं होता रहता है, अकीदे के ऊपर है। मतलब जो जितना ज्यादा अकीदा रखेगा वो उतना जल्दी ठीक हो जाता है जी। बताइए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसका इलाज जो होता है बाबा की तरफ से होता है जी। इलाज ऐसा रहता है की वो उनका टाइमिंग नहीं रहता है जी, उनके हिसाब से करते हैं जी। जब करते हैं तो पूरा मुकम्मल तौर पे करते जी, आधा अधूरा काम नहीं करते। माशाल्लाह। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए? तो बहुत पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं माशाल्लाह। मेन इलाज का जो तरीका है क्या क्या है, क्या क्या चीज फॉलो करनी पड़ती है यहाँ पर? बस उदी फूल और नींबू बस और कुछ क्या क्या उदी फूल नींबू ठीक है। जिले पे जाकर रोज नहाना है जी, बागजली में जाकर बागजली में निकलना है जी। कोई इलाज नहीं है माशाल्लाह। कुछ यहाँ पे हमारे को तबर्रुक की चीज बता दो जो करामाती चीज यहाँ पे मौजूद है, बताइए क्या क्या यहाँ पे मौजूद है अभी? तबर्रुक बोलते बाबा का नींबू है और वहाँ पे जो रोशनी रहती है बाबा की जी, तबर्रुक। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा हम कहाँ जाने वाले हैं जी? फिलहाल में तो आप जीरे पे जाने वाले हैं। वहाँ पर बाबा ने जो है उनके हाथों से जब यहाँ पर पब्लिक बहुत कम थी जी, यहाँ पर लोग ज्यादा नहीं आते थे जी, और मतलब ऐसा था यहाँ पर के पूरा जंगल इलाका था जी। उन्होंने हाथों से एक झरना खोदा था, मतलब उसके कुआ कहते हैं जी, जीरा नाम है उसका जी। उसे 4 फुट का खोदा था तो अल्लाह की तरफ से 4 फुट में मतलब बहुत पानी आने लगता है। उसके अंदर मतलब वो लोग वो टाइम पे वजू भी करते थे और वो पानी से लोगों को फैज भी होता है माशाल्लाह। तो आज भी वो झरना मौजूद है जीरा। चलिए झरना आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह। और ये देखिए सैलानी बाबा की बारगाह है, जो भी बंदा जारीन करने यहाँ पर आ रहा है वो ज़ियारत कर सकता है यहाँ पर आकर के। और यहाँ पे काफी दूर दूर से जो क्या बोलते हैं हाजिरी वाले लोग होते हैं वो यहाँ पे ठीक होकर जाते हैं। देखिए गांव से शहर से हर जगह से लोग सैलानी बाबा की बारगाह पे आते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे आप लोग कैसे जा सकते हो, बस टेम्पो कहाँ से मिलेगी, सस्ता और अच्छा खाना और रहने के लिए होटल कहाँ मिलेगा। तो चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसी तरह की वीडियो पहुंचे आपके।